हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शेफ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि दिस वीक इज़ मॉनसून स्पेशल, तो जैसे कि हमने कहा था पकोड़े बनाएंगे हम आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज तैयार है यहाँ पे पालक के पकोड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, पालक के पकोड़े इंजॉय करते हैं हम, इसे खाना और दिखाना और बनाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पालक के पकोड़े बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए थे, तो मैं दिखाती हूँ इसको आपकी रेसिपी के मैंने इसे कैसे बना के तैयार किया आपके लिए। तो यहाँ पे हमने एक बाउल में बेसन लिया है 1 से 1.5 कप, उसमें हम 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे और 1 बड़े साइज़ की हमने प्याज ली है और 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम रेड मिर्च पाउडर डालेंगे और चार से पाँच हमने लिए हैं हरी मिर्चें जिन्हें हमने बारीक काट लिया है। और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। और अब ये मिक्स हो चुका है थोड़ा बहुत, तो अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। वो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये है पालक जो कि मेन इंग्रेडिएंट्स है, जिसे हमने धो के साफ करके रख ली थी। और इसको हम थोड़ा थोड़ा लेंगे और मिक्स करते जाएंगे और जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही हाथ में पानी लेके डालते जाएंगे। इसमें एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि पालक में भी मॉइस्चर होता है। और इसे अच्छे से पूरे बेसन में मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और फिर हम पालक लेंगे, थोड़ी फिर डाल लेंगे ताकि पालक सब तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने रख देंगे। जब ये रेस्ट हो जाएगा तो इसे हम फ्राई करेंगे। यहाँ हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। थोड़ा सा तेल यानी कि 1 टेबल स्पून तेल हम अपने भजियों का बैटर में डाल देंगे और इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह तेल डालने से थोड़ा सा भजी बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। तो अब हम हाथ में थोड़ा सा बैटर लेंगे और इस तरह से हम तोड़ तोड़ के भजी डालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भजी तोड़ तोड़ के डालने से बहुत ज़्यादा टेस्टी भजी बनती है, बहुत ज़्यादा ही स्वाद इसमें आता है। तो हम इस तरह से थोड़ा ज़्यादा बैटर हाथ में लेंगे और थोड़े थोड़े भजी तोड़ तोड़ के डालते जाएंगे। जितने की आपके एक बार के कढ़ाई में आए आप उतनी भजी डाल दीजिए। और जैसे जैसे कि ये सिकते जाएंगे तो ये गोल्डन होते जाएंगे, इन्हें आपको पलटते जाना है। इसी तरह धीरे धीरे करके सारे भजियों को अच्छे से पलट लीजिए। इन भजियों को फ्रेंड्स तलने में बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। मेन चीज़ होती है इसका बैटर। अगर आपने बैटर सही तरीके से घोला है, अच्छे से इसको रेस्ट मिला है और सारी चीज़ें बराबर डली हैं तो इसे तलने में टाइम नहीं लगेगा। अगर ये पतला हो जाएगा, ये गाढ़ा हो जाएगा तो थोड़े सख्त और वैसे हो सकते हैं, भजिए बिगड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भजिए हमारे कितने अच्छे से बने हैं। तो देख सकते हैं आपके हमारे कितने अच्छे गोल्डन भजिए हो गए हैं। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं जाली में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे भजी रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। इन भजियों को फ्रेंड्स आप चाहे रूखे खाएं, चाहे आप किसी भी चटनी या सॉस से खाएं, ये सभी तरह से बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं खाने में। तो फ्रेंड्स, झटपट से आप इन्हें अपने किचन में बना के ज़रूर ज़रूर इंजॉय और ट्राई कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए आगे हम और किस किस तरह के पकौड़े बना के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।